हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज दिन है रविवार और शाम के बजे हुए हैं 6:15। और मैंने अभी अभी जो कपड़े आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। बेड शीट वगैरह मैंने सारी निकाल के धोई थी, तो वो कपड़े ऊपर से उतार के लेके आई हूँ। और मैंने ये सोफे पर अभी रख दिए है। और जो मैंने गोभी जो मम्मी जी ने काट के रखी थी वो उबाल के उसे धूप में 2 दिन से दिखा रहे हैं, तो अच्छे से धूप लग चुकी है उसकी। तो मैंने सोचा कि गोभी का पहले अचार ही तैयार कर देती हूँ, उसके बाद कपड़ों की तह लगाऊंगी। तो मेरे लिए बस तह लगाने रह गया है। और मेरे बच्चे भी अभी ट्यूशन से आए तो उन्हें भी मैंने दूध बिस्किट और नमकीन दे दिए। और तय लगाने के बाद मुझे बनाना है खाना। अभी मैंने नहीं डिसाइड किया कि मुझे शाम के खाने में क्या बनाना है, तो अभी तो मैं बना रही हूँ गोभी का अचार, पूरा तैयार करके रख देती हूँ। मसाला मैंने खट्टा ही तैयार करके रख दिया था कि बार बार का ये ना हो कि ये सारे अचार, तो जैसे मिर्ची और नींबू के थोड़े थोड़े अचार डाल देते हैं ना, तो उसमें एक ही जैसा वो होता है। तो मैंने मसाला तो बना के रख दिया था, तो आपको बताती हूँ कि मैंने मसाले में क्या क्या डाला है। तो आप देखिए, तो ये देखिए, ये है मेरी गोभी जो मैंने एक दिन धूप अच्छे से नहीं लग पाई थी, तो मैंने दूसरे दिन आज रखा है, तो आज धूप अच्छे से लग चुकी है। और ये मैंने मसाला तैयार करके रखा था। इस मसाले में मैंने सौंफ और सरसों, अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च और नमक, हल्दी और थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। मसाला बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि इसी मसाले से पहले मम्मी जी ने मिर्ची भरी हुई थी, तो बहुत टेस्टी अचार था। और ये मसाला मैंने ऐसे तैयार, तो ये मुझे मिक्स करना है। ये मैंने लिया है कटोरे में एक तेल, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है, उसमें थोड़ा सा ही तेल लगेगा। जो कि अब ये सारा मसाला तैयार है, नमक वगैरह सब कुछ तैयार है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इस मसाले में सिर्फ ये मसाला मुझे गोभी के अंदर डालना है। तो ये तो गोभी जितनी है उसके अकॉर्डिंग ही मसाला मैं डालूँगी। मुझे इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मैंने एक दो बार मम्मी जी जब डालती हैं तभी मैं देख लेती हूँ कि कितना क्या मसाला। तो ऐसा नहीं है, जब टाइम हो तो थोड़ा बहुत करना भी चाहिए ये अचार वगैरह। तो मम्मी जी हमारा बहुत अच्छा अचार डालती हैं और बहुत टेस्टी, उनके हाथों में ना टेस्ट बहुत है। तो मैं भी सोचती हूँ कि जब मैं भी डालूँ तो थोड़ा सा अच्छा बने, तो मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। तो इसे मुझे करना है मिक्स, और इसमें थोड़ा सा डालूँगी तेल, इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी क्योंकि कम ही तेल डलता है। इसे मिक्स करने के, अच्छे से मिलाने के बाद मुझे 1-2 दिन तक इसे धूप में रखना है। और इसमें मिक्स करके रख दूँगी, सुबह मैं इसे डिब्बे में भर के रखूँगी, उस डिब्बे को मुझे 1-2 दिन तक धूप लगानी है, तो अचार बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। 1-2 दिन के बाद ना ये अचार हल्का सा खट्टेपन में आ जाता है। हमारे यहाँ पर ये अचार बहुत टेस्टी लगता है। ये तो खाली गोभी का है, और कुछ मम्मी मिक्स अचार भी डालती है, जैसे कि गोभी, सेम, मटर और गाजर वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं ना, तो उनका सारा मिक्स अचार होता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है कि सब्जी ना खाओ, अचार ही से खा लो। तो इस अचार से पराठे बहुत गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो आप देखिए, अब इस अचार को मैं करूँगी मिक्स। तो इसे मैं करती हूँ अच्छे से मिक्स। वो बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने बड़ों से ही तो सीखते हैं, तो कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, सब चीज़ सारी चीज़ें हम बड़ों से ही सीखते हैं, तो अच्छा भी है, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसमें ये सारा मसाला डल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा तेल और डालूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
कुछ अचार ऐसे होते हैं कि जैसे कि साथ ही साथ डालो तो उसे रोटी से या पराठे से खा सकते हैं और टेस्टी भी लगते हैं, जैसे कि ये गोभी का अचार। और जो मिर्ची का अचार डालती है मम्मी, थोड़ा थोड़ा डालती हैं, तो इस सीज़न में बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी से देख के ही हम लोग, मैंने भी ये थोड़ा सा ट्राई किया है, तो आप लोग देखना तो ये अचार कैसा लग रहा है। तो ये मेरा अचार हो गया है मिक्स। तो अब मुझे इसे रखना है ढक के, तो आप बताना कैसा है मेरा अचार बनाने का तरीका। और मैंने आपको मसाले के बारे में सारी चीज़ें बताई दी है कि इसमें क्या क्या डला था, तो अच्छा है। और अचार के बाद मुझे अभी लगानी है कपड़ों की तय लगानी है। तय लगाने के बाद डिसाइड करूँगी कि मुझे आज किचन में क्या बनाना है, अभी नहीं सोचा है मैंने। तो चलते हैं कपड़ों की तय लगाने।